हाय गाइस, SBI योनो के थ्रू फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ऑनलाइन कैसे भरना है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें योनो एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जो पांचवा ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फॉर्म 15G/H सबमिशन का मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर्म 15G जो होता है वो आखिरकार फिल क्यों किया जाता है। फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H जो होता है ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। इसमें पर्सन जो होता है ये डिक्लेयर करता है कि उसकी जो इनकम है वो इंडिया की जो टैक्सेबल लिमिट है उससे कम है, इसलिए उसे ये डिक्लेरेशन देना होता है ताकि बैंक की तरफ से उसका जो TDS है, टैक्स है, वो डेबिट ना कर लिया जाए। ये फॉर्म आपको फिल कब करना होता है? ये फॉर्म आपको फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में फिल करना होता है, मतलब उस हिसाब से 30 जून जो होगी इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को फिल करने की। तो फॉर्म 15G/H सबमिशन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने CIF नंबर एंड सिलेक्ट ब्रांच आ जाएगा, तो आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट कर देना है। आपको मैं बता दूं कि फॉर्म जो 15G होता है वो फिल किया जाता है उन लोगों के द्वारा जिनकी जो एज है वो 60 वर्ष से कम है, 60 ईयर से कम है, और फॉर्म 15H उनके द्वारा फिल करना होता है जिनकी एज 60 ईयर एबो होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां हमारा नया पेज ओपन हो गया है जहां पर आपका नाम, आपका पैन नंबर, स्टेटस, आपका प्रीवियस ईयर एंड रेसिडेंशियल स्टेटस शो करेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ और डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, इसे भी हमें नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फिर से नया पेज आएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वेदर एसेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, उन्हीं लोगों को करना है जिनकी जो इनकम है टैक्सेबल लिमिट जो है 2.5 लाख रुपए उसके ऊपर है, वो ही लोग यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो कर देना है। यस करते हैं अगर आप, तो यहाँ पर आपको जो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है 2021-22, एंड अगर नो सेलेक्ट करते हैं तो कोई इशू ही नहीं है। और एस्टिमेटेड इनकम आपकी पूरे साल भर की यहाँ पर शो कर देगी, जैसे हमारे केस में यहाँ पर 44,792 रुपए शो हो रही है। हर किसी की अलग अलग शो होगी जिस हिसाब से जिसकी FD होगी, तो यहाँ पर ये चीज डिटेल आपको दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे में जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में आपकी जो टोटल इनकम है, हर तरीके से कमाई हुई इनकम, आपकी सैलरी हो चाहे बिजनेस हो, सारी चीजें मिलाकर, आपके इंटरेस्ट हो, वो सारी चीजें मिलाकर आपका टोटल इनकम कितना है, तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी इनकम होगी उसे डाल देना है, एंड डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे फिर से पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपने कोई भी 15G फॉर्म आपने कहीं पर भी फिल किया है क्या। तो अगर आपने फिल किया है तो नंबर ऑफ टोटल 15G फॉर्म की डिटेल यहां पर देनी होगी। इनकेस नहीं किया है तो नो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पर नीचे 19वां जो पॉइंट दिख रहा है, डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड, तो यहाँ पर आप पूरी की पूरी डिटेल यहाँ क्लिक हियर टू व्यू के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ से कि पूरे साल भर की जो भी इनकम है कितनी है और किस किस FDs में है। तो यहाँ से आप इनकम भी देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, एंड देन बैक आके यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। हमारे केस में नो है, कोई भी 15G फॉर्म नहीं भरा हुआ है, देन हमको यहाँ नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका नाम, आपका पैन नंबर, स्टेटस, प्रीवियस ईयर, रेसिडेंशियल स्टेटस, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे में जो चेक बॉक्स दिया हुआ है आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द डिक्लेरेशन, उसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंड देन कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उसे डालकर हमें यहाँ पर सबमिट कर देना है। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि क्या ये डिक्लेरेशन देना सभी के लिए कंपलसरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कंपलसरी होता है जिनकी इंटरेस्ट इनकम जो है एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 रुपए से ऊपर हो। अगर आपकी इनकम इंटरेस्ट के द्वारा जो आ रही है वो 40,000 रुपए से कम है
तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। और इनकेस अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 15G का TDS अगर आपका कटा होगा, बैंक के द्वारा काटा गया होगा, तो आप लोग उसका जो रिफंड है वो इनकम टैक्स फाइल करके भी ले सकते हैं, अगर आप टैक्सेबल लिमिट के अंडर आते हैं तो। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर OTP डाल के सबमिट कर लेंगे, और सबमिट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, योर फॉर्म 15G हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि SBI योनो के थ्रू आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे अपने 15G फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी अदर क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।